हेलो एवरीवन, सो ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप लिंक्डइन के ऊपर आपका रेज्यूमे कैसे अपलोड कर सकते हो। ओके, तीन डिफरेंट टेक्निक है। जो फर्स्ट एंड थर्ड टेक्निक है वो पर्सनली मेरी फेवरेट है, सो आई वुड रेकमेंड कि आप इस तरीके से ही आपका रेज्यूमे अपलोड करो लिंक्डइन के ऊपर। ओके, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो सो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग लिंक्डइन के ऊपर और अमेजिंग वीडियोज लाने वाले और आपको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए वीडियोज लाने वाले। सो ये जो वीडियो एकदम शॉर्ट एंड एकदम स्वीट वीडियो है, सो अगर आपको पसंद आएगी तो एक लाइक देना। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लिंक्डइन के ऊपर रेज्यूमे अपलोड करने के तीन डिफरेंट तरीके हैं जो काफी मेजॉरिटी लोग यूज करते हैं। सो मैं आपको ये इसके अंदर सब तीनों तरीके बता दूंगा और आपको मैं बता दूंगा कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन क्या पता है कि आपको इधर जाके ये लिंक पेश कर देनी है। ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, सो आप डायरेक्टली वो क्लिक कर सकते हो। सो जैसे ही आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको एक ऐसे वेब पेज पे लेके जाएगा। अगर आप लॉग्ड इन हो सो डायरेक्टली आपका ये वेब पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके से, देखो आप इधर देख सकते हो कि जॉब एप्लीकेशन सेटिंग्स। सो इसके अंदर आपको सीधा अपलोड रेज्यूमे या CV, या आप डायरेक्टली इधर से अपलोड कर सकते हो। आप क्लिक करोगे, आपने जिधर भी आपका रेज्यूमे CV बना के रखा है वो आप डाल सकते हो। मैंने इधर पहले से ही दो तीन रेज्यूमे मेरे डाल के रखे हुए। सो दिस इज हाउ यू कुड अपलोड अ रेज्यूमे। अगर आपको रेज्यूमे बनाने में थोड़ी इश्यूज हो रही है और आपको चाहिए कि कैसे एक परफेक्ट रेज्यूमे बनाना, सो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आई वॉन्ट अ वीडियो रिलेटेड टू रेज्यूमे। सो मैं उसके रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके, सो इसका फायदा क्या होता है पता है क्या? कुछ कुछ जॉब्स के लिए आपके पास दो या तीन तरीके के डिफरेंट रेज्यूमे होते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, सो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अलग रेज्यूमे रहेगा, फिर आपका वेब डेवलपमेंट के लिए अलग रेज्यूमे रहेगा। सो आप इधर अपलोड करके एक यू नो रिपोजिटरी बना सकते हो, सो दैट आपको जो जॉब के लिए चाहिए रहेगा आप उधर यूज कर सकते हो। ओके, अब इधर अपलोड करने का फायदा क्या है वो मैं आपको बता दूँ। तो इसका यूज कब आता है? जब आप लिंक्डइन के ऊपर कोई जॉब्स अप्लाई करने जाते हो या कुछ चीज करने जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूँ, ओके डिजिटल मार्केटिंग लिखा मैंने, मेरा अकाउंट आयरलैंड का है तो मेरे को उधर के जॉब्स दिखेगा। सो अभी इधर आकर मैं जॉब्स पे क्लिक करूंगा। जब मैं जॉब्स पे क्लिक करूंगा तो इधर सब डिफरेंट टाइप के जॉब्स दिखते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये लिंक्डइन इजी अप्लाई जॉब्स। सो ये जो लिंक्डइन इजी अप्लाई जॉब्स है ना, इसमें आपका अपलोडेड रेज्यूमे काम में आएगा। जैसे आप इधर क्लिक करते हो ना, अगर आप इजी अप्लाई पे क्लिक करोगे सो आपको है ना थोड़े क्वेश्चंस पूछेगा और आपका रेज्यूमे जो आपने अपलोड किया रहेगा ना पहले, वो डायरेक्टली इधर आ जाएगा। सो आप सीधा वन क्लिक के अंदर सबमिट कर सकते हो आपका एप्लीकेशन। सो दैट्स रियली इजी एंड यू नो वन टच प्रोसेस है। ओके, बट ये सबसे इफेक्टिव तरीका नहीं है। इसके अंदर है ना लिंक्डइन के अंदर कभी भी आपको ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है रेज्यूमे के साथ। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं ये लिंक्डइन और हमारे हाउ टू बिकम एम्प्लॉयबल सीरीज में कवर करूंगा, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। सो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट वो वीडियो के साथ आपको समझ में आ जाए कि राइट टैक्टिक्स कौन सी है एक रेज्यूमे के साथ अप्लाई करने थ्रू लिंक्डइन। ओके, अब बढ़ते हैं हमारी सेकेंड टेक्निक की तरफ। सो जो सेकेंड टेक्निक है वो है कि आप इधर जो हम लोग का फीचर्ड सेक्शन रहता है उसके अंदर आप आपका रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो। ओके, सो आप वो कैसे कर सकते हो कि इधर प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, आपको जाना है मीडिया, अपलोड फोटोज, डॉक्यूमेंट और इसके ऊपर। आप इधर जैसे जाओगे आप सीधा आपका रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो इधर से, जैसे आपका रेज्यूमे होगा। सो वो इधर फीचर सेक्शन के अंदर रेज्यूमे दिख जाएगा। सो ये एक तरीका होता है रेज्यूमे अपलोड करने का, बट ये इतना अच्छा तरीका नहीं रहता। सो आई वॉन्ट रेकमेंड कि आप ऐसे रेज्यूमे अपलोड करें। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके की तरफ, जो काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं ये तरीके से आपका रेज्यूमे अपलोड करना। ओके, जब हम रेज्यूमे देखते हैं सो वो मैक्सिमम वन पेज या टू पेज का रहता है, उससे ज़्यादा रेज्यूमे एडवाइस नहीं करते लोग। बट आपको आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को ही रेज्यूमे के जैसे कंसिडर करना है। मतलब कि थर्ड वे टू अपलोड योर रेज्यूमे इज टू फिल योर लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि आप देख सकते हो कि सब फील्ड सेम है, जैसे कि एक्सपीरियंस, फिर एडुकेशन, ये सब चीज़ें। और कैसा होता है कि रेज्यूमे के अंदर हमारे पास एक स्पेस का लिमिट होता है। जैसे कि मेरा रेज्यूमे 1.5 पेज का है, बट आप जो लेवल का डिटेल मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर डाला है मैं वो रेज्यूमे में डाल ही नहीं सकता। सो आपको ये बेनिफिट मिलता है लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर। सो आई वुड रेकमेंड कि आप अच्छी तरीके से आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल फिल करो जो आपका रेज्यूमे जैसे काम करेगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल प्रोफाइल एक वीडियो बना के रखी है कि आपको आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी कैसे, एकदम बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है।
प्रोफाइल पिक्चर से लेके सब एलिमेंट्स तक मैंने कवर किया। मैं ऊपर वो वीडियो लिंक कर दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख लो, तब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे एक लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी तरीके से बनानी है जो आपका रेज्यूमे जैसे काम करेगा, जिससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। ये तो थी तीन डिफरेंट टेक्निक जैसे आप लिंक्डइन के ऊपर रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि लिंक्डइन के ऊपर कैसे रिक्रूटर्स को मैसेज करें, कौन सी चीज़ें हम लोग लिंक्डइन पर पोस्ट करें, कैसे लिंक्डइन यूज़ करके जॉब हासिल करें, ये सब चीज़ों के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे रेज्यूमे बनाए, मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं वो वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। ओके, सो ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर वीडियो है वो देख लो, आपको ए टू जेड सबसे परफेक्ट प्रोफाइल कैसे बनानी है वो पता चल जाए। ओके, सो टेक केयर, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ हाउ टू बिकम एम्प्लॉयबल सीरीज विद ब्रेन।